नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहां पे मैं लेके आया हूं पाइवट टेबल का एक जबरदस्त ट्रिक, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सेल के अंदर अगर आप पाइवट टेबल के डेटा में कुछ भी चेंजेज करोगे ना, तो आपका जो है पाइवट टेबल, आपका जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। क्या करना है नहीं करना, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डेटा है और डेटा में डेट है, आइटम्स है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है और अमाउंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाइवट टेबल लगाते कैसे हैं। लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट डेटा पर सेलेक्ट कीजिए। अगर डेटा अच्छा से रहा, सब कुछ सही है, तो आप जस्ट डेटा पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो है इंसर्ट में जाओगे। कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहां पे देखिए ऑप्शन क्या है, पाइवट टेबल। जस्ट आप वन क्लिक कर दो। आप जैसे ही वन क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है इस टाइप का जो है इस टाइप का डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ये डेटा कहाँ पे चाहिए, पाइवट टेबल बनाना कहाँ पे है, तो बनाना कहाँ पे, न्यू सीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग सीट में चाहिए। मैं आपको फिलहाल दिखाने के लिए एग्जिस्टिंग सीट में बना के दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे एग्जिस्टिंग सेट किया और लोकेशन में ईस्ट पॉइंट को लोकेशन डाल देता हूँ। बस इसको मैं ओके कर दिया। जैसा ही ओके करूंगा आपके पास इस टाइप का विंडो जाएगा और इसे बोलते हैं पाइवट टेबल। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, मान लीजिए कि मेरे पास जो यहाँ पे आइटम्स है और क्वांटिटी है और अमाउंट है, तीनों को डिस्प्ले करना है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो पाइवट टेबल का फील्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आइटम्स को सेलेक्ट किया। आइटम्स को जैसे ही सेलेक्ट किया, इसमें कितना भी आइटम है, एक ही आइटम बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो उसको नहीं लेके यूनिक आइटम, अगर यहाँ पे देखिए 5 यूनिक आइटम है, इसमें देखिएगा तो 5 ही यूनिक आइटम है, उसको लेके यहाँ पे लेके आ गया। अभी क्या चाहिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए, आइटम्स 1 का क्वांटिटी कितना है, तो वो जो आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी वाला कॉलम है ना, इस पर जस्ट आप क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ क्वांटिटी करके वैल्यू वाले फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ क्वांटिटी आ गया है। ओके, अगर यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए इसका सम का, तो यहाँ पे अमाउंट है, आप अमाउंट पे भी क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ अमाउंट आ गया है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद अगर आपका ये पाइवट टेबल बन गया है, अब क्या होगा, मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होता है। वो क्या है कि अगर आपका ये डेटा है, बहुत सारा डेटा है, इसमें अगर मान लीजिए चलिए यहाँ पे आइटम 1 है, आइटम 1 यहाँ पे कितना है 68 है, और आइटम 1 का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देखेंगे तो 603 है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो टोटल सम ऑफ आइटम कितना 603 है। अगर यहाँ पे आइटम 1 में सपोज मैं यहाँ पे 100 कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए 603 है, एंटर प्रेस किया तो अभी भी जो है यहाँ पे 603 ही है। आइटम आप जो है डेटा में चेंज किए हो, लेकिन आपका पाइवट टेबल में वो आइटम चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपको करना कैसे है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, आप रिफ्रेश करोगे ना, तो उसके बाद देखिए ये डेटा जो आपको यहाँ पे चेंज होगा। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे चेंज होगा। अभी देखिए 635 है, यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, 1000 कर दिया, यहाँ पे चेंज होना चाहिए ना, नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश बटन प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे जो आइटम 1 का क्वांटिटी चेंज होता है। बार बार ऐसा ना करना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए कि आप जो डेटा यहाँ पे डालें ना, डेटा जो भी डालो, डालने के बाद ये जो है डेटा ऑटोमेटिक, आपका जो ये टेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो, तो उसके लिए करना क्या है, देखिए उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो देखिए सीट 1 लिखा हुआ ना, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे है व्यू कोड। ठीक है, आप व्यू कोड पे जाइए, व्यू कोड पे जाइएगा तो सिंपल सा नॉर्मल सा इस टाइप का आपको विंडोज आएगा, और जैसे ही विंडोज आएगा यहां पे क्या लिखा हुआ, जनरल लिखा हुआ ना, आप जो है जनरल के जगह लिख दीजिए वर्कशीट। ठीक है, और यहां पे जो सिलेक्शन चेंज है, इस एरो पे क्लिक करके यहां पे कर दीजिए चेंज। जब यहां पे चेंज कर दिए तो यहां पे एक छोटा सा कोड लिखना है, वो क्या लिखना, देखिए यहां पे लिखना है एक्टिव। एक्टिव ऐसे लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे है कंप्लीट वर्ड का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे एक्टिव से रिलेटेड जितना भी वर्ड है यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वर्कशीट, ये वाला ले रहा हूँ, एक्टिव वर्कशीट ले लिया, डॉट रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश ऑल है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल कर दिया। बस इतना ही काम था, आपका काम हो गया इतना छोटा सा कोड से। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जस्ट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आइटम नंबर फोर 724 दिखा रहा है, आइटम नंबर फोर पे मैं यहाँ पे देखिए कुछ चेंज 500 लिख दिया। 500 लिखने के बाद देखिए यहाँ पे आइटम फोर, देखिए यहाँ पे डमरू बन गया। अब ये जो है ऑटोमेटिक रिफ्रेश देखिए हो गया।
चेंज हो गया डेटा ऑटोमेटिक, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे लिखा हुआ है आइटम 5 नंबर में 404 लिखा हुआ है। आइटम नंबर 5 देखिए कहां पे है, इसमें है आइटम नंबर 5, इसमें मैं 1000 नंबर क्वांटिटी कर दे रहा हूं और एंटर प्रेस करता हूं। देखिए आइटम नंबर 5 जो है यहां पे ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। डिपेंड करता आपके डेटा पे, आपका डेटा कितना बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटा आपका पिवट टेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो रहा है। क्या किया नहीं किया आपको पता चला। अगर फिर भी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओके सो इस वीडियो में इतना, मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।